हम जानते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण आनुवांशिकता कहलाता है। और मेंडल के अनुसार हम जानते हैं कि प्रत्येक लक्षण जो किसी भी जीव में जो पाए जाते हैं लक्षण, वे लक्षण विशेष प्रकार के कारकों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब वर्तमान में इन्हीं कारकों को जीन कहा जाता है। आखिर ये लक्षण किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं या ये लक्षण अपने आप को किस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं, इसे हम समझेंगे कि लक्षण अपने आप को किस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। लक्षण स्वयं को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, इसे समझने के लिए पहले हम चर्चा करेंगे खास तौर से एक सामान्य कोशिका के बारे में। हम जानते हैं प्रत्येक जीव का शरीर जो है छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है और जिसे हम कहते हैं कोशिका, यानी कोशिकाएं ही हमारे शरीर की रचना करती हैं। और हर कोशिका में केंद्रक नामक संरचना पाई जाती है। कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। केंद्रक में विशेष प्रकार की छड़ सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं और उन्हें कहा जाता है गुणसूत्र। और यदि प्रत्येक गुणसूत्र की बात की जाए तो प्रत्येक गुणसूत्र एक विशेष रासायनिक पदार्थ से बना होता है और उस रासायनिक पदार्थ को हम कहते हैं डीएनए। यदि हम कल्पना करें कि एक कोशिका है और इस कोशिका में केंद्रक, तो केंद्रक में कोशिका और यह केंद्रक, तो केंद्रक में जब कोशिका विभाजन होता है खासतौर से उस दौरान विशेष प्रकार के छड़ सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं। इन छड़ सदृश संरचनाओं को हम कहते हैं गुणसूत्र। और यदि गुणसूत्र की बात की जाए तो गुणसूत्र बना होता है एक विशेष रासायनिक पदार्थ से जिसे हम कहते हैं डीएनए या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए जो कि एक द्विकुंडलनी संरचना के रूप में होता है, यदि हम इसमें से डीएनए को, गुणसूत्र में से डीएनए को निकाले तो डीएनए एक द्विकुंडलनी संरचना होती है और डीएनए के भीतर विशेष प्रकार की छोटी छोटी इकाइयां पाई जाती हैं, या ये कह सकते हैं डीएनए का एक खंड, और डीएनए का एक खंड ही जीन कहलाता है। डीएनए के प्रत्येक खंड या जीन के भीतर अनेक नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं और ये नाइट्रोजनी क्षारक आनुवांशिकता में विशेष रूप से कोड बनाते हैं। जैसे यदि हम कल्पना करें कि डीएनए में, डीएनए के खंड में यहां एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये नाइट्रोजनी क्षारक मौजूद है, तो ये जो नाइट्रोजनी क्षारक है कि निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं पूरे डीएनए में, और ये निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर विशेष प्रकार की सूचनाएं बनाते हैं जिन्हें हम आनुवंशिक कूट कहते हैं, आनुवंशिक सूचनाएं बनाते हैं। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं डीएनए में आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं और वो सूचनाएं जो होती हैं छोटे खंड के रूप में होती हैं जिन्हें हम कहते हैं जीन। हम ये जानते हैं हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं।